हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोर वी इंजीनियर्स। तो एमएमसी का लेक्चर अब मैं स्टार्ट करने, जो मेन टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज से स्टार्ट करेंगे। और हर एक टॉपिक को, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, तो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे कि प्रेशर गेज कैसे काम करता है, रोटामीटर कैसे काम करता है, बायोमेटेलिक थर्मोमीटर कैसे काम करता है, थर्मोस्टेट क्या है, ये सब ऐसे। तो ऐसे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा, ठीक है? क्योंकि आई थिंक एमएमसी के इस टाइम एग्जाम्स भी है हमारे सिक्स सेमेस्टर वालों के लिए। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मली बायोमेटेलिक थर्मोमीटर क्या है, कैसे काम करता है, ये सब। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज के ज्ञान में एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा नॉलेज लेने के लिए हम देखते हैं, ठीक है? देन हम स्टार्ट करेंगे बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। और मैं अब से जो भी लेक्चर आपके लिए बनाऊंगा, हर एक लेक्चर में एक एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा जो कि आपके जो नॉलेज आप भूल चुके हो उसको बूस्ट करे, क्लियर? तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते ही स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है, द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी ड्यूरिंग मोशन। जब बॉडी मोशन में होती है तो उस टाइम पर जो फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा फ्रिक्शन होता है? ऑप्शन आपके पास है रोलिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जनरली जब कोई बॉडी मूव होता है, मोशन में होता है, तो हम लोग एक डायनेमिक वर्ड यूज करते हैं कि भाई बॉडी डायनेमिक है, डायनेमिक कंडीशन में है। स्टैटिक मतलब रेस्ट कंडीशन में, डायनेमिक कंडीशन में है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि जब बॉडी मूव हो रही होगी उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा है उससे क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे डायनेमिक मोशन है, मीन्स डायनेमिक, तो डायनेमिक से रिलेटेड दिस डायनेमिक फ्रिक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा डायनेमिक फ्रिक्शन, क्लियर? तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। ओके गाइस, तो बायोमेटेलिक थर्मोमीटर काम कैसे करता है ये देखेंगे। तो जो बायोमेटेलिक थर्मोमीटर में जो होता है उसमें दो मेटल स्ट्रिप का यूज करते हैं। दो मेटल स्ट्रिप के हेल्प से हम बायोमेटेलिक थर्मोमीटर बनाते हैं, कैसे? जैसे, और जो दो मेटल हम यूज करते हैं वो डिफरेंट मेटल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये जो आपको स्ट्रिप दिख रहा है ये हमारा ब्रास का है, और ये जो ब्लू कलर से आपको जो दिख रहा है ये हमारा स्टील का है, ठीक है? अब ये दोनों को एक में ज्वाइन कर दो, उसके बाद ये काम करने लगता है बायोमेटेलिक थर्मोमीटर के। तो बायोमेटेलिक थर्मोमीटर में बायोमेटेलिक मीन्स एक से ज्यादा, तो दो मेटल अलग अलग मेटल को स्ट्रिप करने के बाद आप जब उसमें हीट दोगे तो उससे जो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, जो टेम्परेचर मिलेगा, वो हमारा है बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। कुछ टर्म्स है यहाँ पे, बायोमेटेलिक थर्मोमीटर में जो मेटल होता है चेंज इन डायमेंशन व्हेन टेम्परेचर इज चेंज। तो हमें ऐसे ही पता है मेटल का टेम्परेचर, अगर कोई मेटल है तो टेम्परेचर अगर बढ़ा रहा हो तो वो एक्सपेंड होता है। गर्मियों में अगर रेल के ट्रैक की बात करें तो गर्मियों में जो रेल के दो ट्रैक के बीच में गैप देते हैं थोड़ा सा, गर्मियों में वो एक्सपेंड हो जाता है, ठंडियों में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मेटल की ये प्रॉपर्टी पता है, टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे तो वो एक्सपेंड होगा, टेम्परेचर कम करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जो हम मेटल यूज करेंगे सेम, एक हमारा ब्रास है एक स्टील है, इसमें भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सपेंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट ब्रास में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो जितना ज्यादा एक्सपेंड होगा उतना स्टील में, ठीक है? वो डिपेंड करता है आपके कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है? मेटल के कोफिशियंट थर्मल एक्सपेंशन पे, हर एक अलग अलग मेटल के थर्मल एक्सपेंशन कोफिशियंट जो होता है वो अलग अलग होता है। मीन्स अगर देखो ब्रास, जो ब्रास का थर्मल कोफिशियंट है 19 × 10⁻⁶, क्लियर? और स्टील का थर्मल कोफिशियंट है 13 × 10⁻⁶। ओके, इन डिग्री सेल्सियस में। तो ये अलग अलग हमारा देता आ रहा है। अब देखो, अगर ब्रास को सेम अगर 20 डिग्री सेल्सियस अगर पे ये देख रहे हो, 20 डिग्री सेल्सियस पे जब आप इसको 20 डिग्री सेल्सियस हीट प्रोवाइड करोगे तो जो आपका ब्रास होगा वो ज्यादा एक्सपेंड होगा और जो स्टील होगा वो कम एक्सपेंड होगा। यहाँ पे आपको साफ साफ वैल्यू दिख रही है। सेम इन केस ऑफ आप कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, ठीक है, कॉपर एल्यूमिनियम ले लो, गोल्ड सिल्वर ले लो, तो आप ऐसे दो अलग अलग मेटल को लो जिसका कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग, ठीक है? नाउ चेंज इन डायमेंशन व्हेन टेम्परेचर इज चेंज, ये तो हमें पता है, मेटल में अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो डायमेंशन भी उसका एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होगा। चेंज डिपेंड्स ऑन कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मेटल, ये भी मैंने अभी आपको क्लियर किया। डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यस,
डायरेक्टली वो पर्सनल में जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा एक्सपेंड होता जाएगा अकॉर्डिंग टू कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंसिव। ओके, इसका यूज कहाँ करते हैं हम बायोमेटेलिक थर्मोमीटर का? बायोमेटेलिक थर्मोमीटर का जो यूज है जनरली हम ओवन में करते हैं या फिर हम एसी थर्मोस्टेट, जहां थर्मोस्टेट का आपको नाम सुनाई देगा वहां पर हर जगह ये बायोमेटेलिक थर्मोमीटर यूज करते हैं। क्लियर? अब इसकी वर्किंग समझते हैं, ये एक्चुअली होता कैसे है। ठीक है, तो ये देखो ये ब्रास है, ये स्टील है। ठीक है, अब हम यहाँ से हीट, ये फर्नेस से, ये फर्नेस है ठीक है, इसे हीट दे रहे हैं। तो हीट देने से क्या होगा, ब्रास का थर्मल कोफिशिएंट ज्यादा है और स्टील का कम है। इसका मतलब क्या है, ब्रास ज्यादा एक्सपेंड होगा एज कंपेयर टू स्टील, ब्रास ज्यादा एक्सपेंड होगा। तो जब हीट देने से क्या होगा, ये जो ब्रास है ये ऐसा एक्सपेंड हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ब्रास ऐसा हो जाएगा क्योंकि ब्रास ज्यादा एक्सपेंड होगा और जो हमारा स्टील है वो कम एक्सपेंड होगा। ठीक है, क्योंकि स्टील की थर्मल कोफिशिएंट जो है वो कम है, ऐसे नीचे की ओर बैंड होने लगेगा। नीचे की ओर इसलिए बैंड हो रहा है क्योंकि जब ये मेटल नीचे, ये जो हमारा स्टील है ये जैसे हल्का बैंड हुआ 20 डिग्री सेल्सियस पे और ऊपर क्या है, और वैसे भी एरिया ज्यादा है तो ऊपर वाला जो मेटल होगा ऑफिशियली सी बात है कि वो ज्यादा टर्न होगा क्योंकि नीचे भी मेटल, नीचे का मेटल हल्का टर्न हुआ तो ऊपर इतना कर्व लेगा तो उसकी एक्सपेंशन ज्यादा है तभी तो वो ले रहा, अदरवाइज वो मेटल ब्रेक हो जाता वहां से। तो ऐसे काम करता है। अब इसको हम लोग कैसे एक डिवाइस में कन्वर्ट करते हैं बायोमेटेलिक थर्मो, ये तो आपने देखा कि ये ऐसा प्रैक्टिकली ऐसे काम करता है, बट अगर आप इसको देखें डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करें, तो डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए आपको एक डिवाइस बनानी होगी जो कि फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया स्पाइरल स्प्रिंग। ठीक है, इसके इस एंड को आप एक डिवाइस के किसी एक एंड पे फिक्स कर दोगे। क्लियर? और ये जो स्पाइरल स्प्रिंग है ये किससे बना है, दैट इज कॉल्ड बायमेटेलिक मटेरियल से बना है, मींस अगर एक ब्रास है तो एक स्टील है, ऐसे एक मटेरियल मिलकर ऐसे बने हैं ये स्पाइरल स्प्रिंग। ओके, इसका जो ये वाला एंड है, ठीक है, इसका जो ये वाला एंड है, ये वाले एंड में आपको एक निडल लगा देनी है, एक निडल लगा देनी है। ठीक है, अब आपको ये जो नीडल है ये हो गया डिफ्लेक्शन बताएगा, ठीक है, अब जैसे जैसे इसको टेम्परेचर इस डिवाइस को मिलेगा वैसे वैसे ये क्या होगा, ये स्पाइरल जो हो क्लोज होने लगेगा, क्या होने लगेगा, टाइट होने लगेगा। अगर ठंडा हो रहा तो भी कॉन्ट्रैक्ट में भी टाइट होगा, एक्सपेंड हो रहा तो ये एक्सपेंड होने लगेगा। ठीक है, तो ये जो नीडल होगा ये नीडल क्या होगा, मूव होने स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये नीडल यहाँ है, ठीक है, ये नीडल थोड़ी जब जैसे इस पर हीट प्रोवाइड करोगे ये नीडल यहाँ हो जाएगा, ये नीडल यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो ये जो और जो ये हमारा स्केल है ये स्केल पे आपको डिफ्लेक्शन बताया कितना mm डिफ्लेक्शन हुआ, जैसे ये 0.2 mm का है, 4 mm का है, 5 mm का है, 6 mm का है, 7 mm का है, 8 mm का है, 9 mm का है। ठीक है, ऐसे तो ये डिफ्लेक्शन बताएगा, अभी कितने 5 mm पर डिफ्लेक्शन बता रहा है, नॉर्मल है समझ लो, जैसे हीट दिए ये 7 mm बता रहा है और हीट दिए तो 9 mm डिफ्लेक्शन बता रहा है। क्लियर, तो ऐसे ये आपको डिफ्लेक्शन बताएगा। अब हमें तो थर्मोमीटर है वो टेम्परेचर बताना चाहिए, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको एक कैलिब्रेट करते हैं, ये जो हमारा जो है ये डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है एमएम में, इसको हम कैलिब्रेट करते हैं कि अगर ये यहाँ पे है ये निडल, ये 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हम कैलिब्रेट उतना डिग्री टेम्परेचर डाल के इस डिवाइस को पहले कैलिब्रेट करते हैं, फिर हम 20 डिग्री का टेम्परेचर डालते हैं तो देखते हैं ये डिवाइस का निडल आ गया यहाँ पे, मीन्स ये पॉइंट हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है। फिर हम 30 डिग्री डालते हैं तो ये पॉइंट हमारा 30 डिग्री सेल्सियस में, निडल जब यहाँ जाएगा ये 60 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे हम इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं। क्लियर, तो ये बन जाता है हमारा एक डिवाइस, इसको नाम देते हैं बायमेटेलिक थर्मोमीटर। क्लियर, तो जनरली ऐसे काम करता है हमारा बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। आई थिंक आपको क्लियर होगा, फिर भी अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट्स में आप मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे नॉलेज के साथ कर सके।